नमस्कार, एवन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चले रुक करते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हुई आज वोटिंग के दौरान पीएम मोदी ने सभी को चौंका दिया। दरअसल पीएम मोदी वोटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मतदान केंद्र पर पहुंच गए, जिसे देखकर वहां मौजूद अधिकारी हैरान रह गए। पीएम मोदी वोटिंग टाइम शुरू होने का इंतजार करते दिखे हैरान। अधिकारियों से मोदी ने कहा कि वे स्कूल भी टाइम से पहुंचते थे। पाकिस्तान द्वारा सीमा पर लगातार किए जा रहे सीज फायर उल्लंघन पर कड़ा स्टैंड लेते हुए भारत ने अपने पड़ोसी देश से दो टू कहा है कि जम्मू कश्मीर से लगती सीमा पर किसी भी प्रकार की फायरिंग का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल एके भट्ट ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से फोन पर बातचीत में साफ कर दिया है कि भारतीय सेना LOC पर शांति को लेकर प्रतिबद्ध है। उत्तर प्रदेश ATS और महाराष्ट्र पुलिस ने एक संयुक्त ऑपरेशन में लश्कर तायबा के संदिग्ध आतंकी सलीम खान को मुंबई एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया है। यूपी पुलिस सलीम को 2008 से तलाश रही थी। कुछ दिनों पहले फैजाबाद से गिरफ्तार ISIS के एजेंट आफताब से पूछताछ में सलीम के बारे में पता चला था। राष्ट्रपति चुनाव में झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित सभी मंत्रियों ने वोट डाला। CM ने वोट डालने के बाद ट्वीट कर कहा कि उन्हें रामनाथ कोविंद की जीत का पूरा भरोसा है। वहीं अपने चचेरे भाई की हत्या के आरोप में रांची जेल में बंद BJP के विधायक संजीव सिंह और पूर्व मंत्री एनोस एक्का भी जेल से विधानसभा पहुंचे और मतदान किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ विधानसभा में अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर CM ने कहा कि रामनाथ कोविंद भारी बहुमत से जीतेंगे। साथ ही कहा कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दल एक दूसरे की टांग खींचते हैं। अच्छा हो कि सभी विपक्षी दल एक साथ एक मत एक स्वर में रामनाथ जी को वोट देकर जीत दिला दें। बिहार में राष्ट्रपति चुनाव के लिए हो रही वोटिंग समाप्त हो गई। राष्ट्रपति चुनाव के लिए बिहार विधानसभा में 2 मतदान कक्ष बनाए गए, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए थे। बिहार के कुल 241 विधायकों ने पटना में अपने वोट डाले, जबकि एक विधायक ने देहरादून में अपने मताधिकार का उपयोग किया। एक विधायक बीमार होने के कारण पटना में वोट नहीं डाल सके। देश भर के साथ दिल्ली विधानसभा में भी राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोट डाले गए। CM अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी विधायकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। केजरीवाल पहले ही चुनाव में UP उम्मीदवार मीरा कुमार को समर्थन देने का ऐलान कर चुके हैं। AIADMK प्रमुख VK शशिकला जेल में किस तरह सुविधाओं के साथ रह रही है, इस बात का खुलासा करने वाली पुलिस अधिकारी डी रूपा का ट्रांसफर कर दिया गया है। रूपा ने अपनी रिपोर्ट में ये भी बताया था कि शशिकला को जेल में तमाम सुविधाएं 2 करोड़ रुपए घूस लेने के बाद मिल रही हैं। उनके खुलासे के बाद DI सत्यनारायण राव सवालों के घेरे में आ गए थे। पाकिस्तानी रेंजर को बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी करते समय इस कदर जोश आया कि वे होश खो बैठा। रिट्रीट सेरेमनी करते समय वे गिर गया। इस पर ना सिर्फ भारतीय बल्कि पाकिस्तानी दर्शक भी हूटिंग करने लगे। वहीं हूटिंग करने में सिर्फ भारतीय नहीं बल्कि पाकिस्तानी दर्शक भी शामिल थे। चीन और भारत के बीच पिछले कुछ समय से चल रही सरगर्मी के बीच अब चीनी मीडिया का एक और बयान सामने आया। चीनी मीडिया का कहना है कि भारत की ओर अब लगातार विदेशी निवेश आकर्षित हो रहा है, जो कि भारत के विकास में मददगार होगा। वहीं चीन को इस मुद्दे से ध्यान हटाकर चुपचाप अपने नए विकास मॉडल पर काम करना चाहिए। यूपी के बदायूं जिले के सहसवान थाना क्षेत्र के एक गांव में एक पिता ने अपनी ही नाबालिग बेटी को हवस का शिकार बना डाला। पीड़िता के चाचा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ IPC की धारा 376 और पॉक्सो कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है। पुलिस ने पूछताछ के बाद आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए हरियाणा विधानसभा परिसर में मतदान का कार्य पूरा हो गया। मतदान विधानसभा परिसर में कड़ी सुरक्षा में हुआ। राज्य के सभी विधायकों ने मतदान किया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित 57 विधायकों ने पहली बार राष्ट्रपति चुनाव में मतदान किया। दूसरी ओर चुनाव में क्रॉस वोटिंग की संभावनाएं जताई गई हैं। चैंपियंस ट्रॉफी और वेस्टइंडीज दौरे पर शानदार प्रदर्शन करने वाले शिखर धवन को इस महीने शुरू हो रही श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए टीम इंडिया में शामिल किया गया है। शिखर धवन, चोटिल, मुरली विजय की जगह भारतीय टीम टेस्ट का हिस्सा होंगे। BCCI ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी है। साउथ के सुपरस्टार नागार्जुन की होने वाली बहू अभिनेत्री सामांथा रूथ प्रभु इन दिनों सुर्खियों में है। तमिल स्टार सामांथा रूथ ने JFW नाम की मैगजीन के लिए फोटोशूट कराया। फोटोशूट सामांथा काफी हॉट नजर आ रही है। फोटोशूट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी तेजी से वायरल हो रहा है। मेरे साथ बड़ी खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए एवन न्यूज। नमस्कार। देश का सुप्रसिद्ध अखबार महानगर मेल लेकर आ रहा है देश की राजधानी में पहली बार महानगर ग्लोबल अचीवर्स अवार्ड। सोशल वर्क, एजुकेशन, फैशन, बिजनेस,
योगा, मनोरंजन, सरकारी और गैर सरकारी या हो मीडिया में अहम योगदान देने वाले पत्रकार, इस मंच पर मिलेगा सभी क्षेत्रों में अहम योगदान देने वाले लोगों को भरपूर सम्मान। जी हाँ, 27 जुलाई 2017 को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में सजेगा एक ऐसा मंच जो अनेक क्षेत्रों में विशेष उपलब्धि हासिल करने वाले लोगों को समाज में देगा एक नई पहचान। इस बड़े कार्यक्रम के आयोजक हैं देश के जाने माने वरिष्ठ पत्रकार रणवीर गहलोत।